पुल और डिफरेंट चिड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज़ाद करेंगे ये सारे बर्ड्स हैं, जिसमें मैना है, बुलबुल है, लैला है। आज आज़ाद करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक झुंड यहाँ पे जा रहा है आसमान पे, आप खुद देख सकते हैं बर्ड्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, आज एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट प्रोग्राम है। एक हमारे व्यूअर है जिन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी, बजर साहब हैं फ्रॉम लंदन से, जिन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे चैनल के थ्रू चिड़ियों को आज़ाद किया जाए किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे उनको रहने की जगह मिले, जहाँ पे वो सुकून से रह सके। तो हमने आज एक प्लेस डिसाइड करी है जहाँ पर हम जाके उन चिड़ियों को आज़ाद करेंगे। तो आज चिड़ियाँ लेके जा रहे हैं हम व्यूअर्स, अब आपको दिखाते हैं कि ये हम लेके जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ बुलबुल और डिफरेंट चिड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज़ाद करेंगे ये सारे बर्ड्स हैं, जिसमें मैना है, बुलबुल है, लैला है, और ये सारी वैरायटी हम लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इनको आज़ाद करेंगे और वो मौका हमें भी मिलेगा, खुशी का मौका होगा, क्योंकि बर्ड्स आज़ाद होंगे, अपने एक प्लेस पर जाएंगे और इनकी आज़ादी देख के इंशाल्लाह हमें भी खुशी मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो अब रऊफ़ साहब के ख्याल शेयर करते हैं कि क्या ख्याल है, इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम जी रऊफ़ साहब, बताएं क्या ख्याल है आपके। हाँ यार जान से बहुत ज़बरदस्त ख्याल आते हैं और ज़बरदस्त यानी फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब तक के जो लाइफ में फीलिंग रही है वो बर्ड्स को यानी केजेस बाय केजेस मूव करते रही हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, ब्रीडिंग को फिर सेल करते रही हैं, और ये नई चीज़ है कि जब हम अपने बर्ड्स को यानी जो ये जो बर्ड्स है इसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बदर साहब का भी थैंक्स कहूँगा कि उनके मौके उनकी वजह से यानी उन्होंने एक मौका दिया हमें, और उसका ये कि उसके साथ आपको का भी थैंक कि आप लोगों ने भी हमें कहा कि यार चलो हमारे साथ चलो अभी ये चीज़ भी देखते हैं लाइफ में। और इंशाल्लाह ये जब मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जाने पे आपके काफ़ी लोगों को और सारे लोग इससे मुतासर होंगे और बहुत सारे लोग जो है ये इस किस्म के इवेंट किया करेंगे अपने इलाकों में, इस तरीके से आज़ाद जानवरों को अपने हाथ से आज़ाद किया करेंगे। जो तो ये बहुत अच्छी एक फीलिंग्स आती है कि अपने हाथ से एक वाइल्ड परिंदे को आज़ाद करे बंदा। बिल्कुल, यानी आप एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि ये मौका हमें अभी लाइफ में भी नहीं मिला, ये फर्स्ट मौका मिला है। तो इंशाल्लाह फिर हम भी यानी इस चीज़ को लेकर जाके देखेंगे और इसको जब जाके फिर दोबारा हो सकता है अल्लाह ने हमें भी मौका दिया। इतना बड़ा मसला नहीं, आप अपनी पट्टी खोल देगा सारी फिंचेस भाग जाएंगे, हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप देखते हो लालू खेत में एक भी फिंच उड़ती है तो लोग साले ऐसे पागल हो जाते हैं कि वो बॉसों को किसी का केज चोरी हो गया, किसी का मोबाइल निकल गया, तो वो मामला होते हैं। तो वैसे आज़ाद होते हैं, आज़ाद होती है, चील के हुए ऊपर उड़ते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है। हम साहब के व्यूज शेयर करते हैं। जी हमाद भाई, भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन साहब ने भी ये, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बदर साहब हैं लंदन से, बदर साहब लंदन से, बदर साहब को पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया, यानी जानजेब भाई को ये मौका दिया तो जानजेब भाई ने हमें ये दिया कि हम लोग आपके साथ चलें और ये काम करें। इसको देख के तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि वाइल्ड परिंदा जो ख़त्म हो रहा है, तो ये बदर साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, चाहिए और ये इनको उड़ाना चाहिए, हमें आज़ाद करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, सही है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर बदर साहब भी यहाँ होते तो बहुत मज़ा आता, और तमाम लोगों को भी ये चाहिए मुझ समेत कि हम इस तरीके के वाइल्ड परिंदों को जो है ना वो हम दोबारा से इनकी क्वांटिटी बढ़ाएं, जो हमें आज़ाद घूमते हुए दिखे, आप नहीं दिखते यार, बहुत कम हो गया। तो हमें चाहिए कि हम दोबारा वही चीज़ लाएं, नेचुरल चीज़ें लेकर आएँ, दरक लेकर आएँ, ये चीज़ें लेकर आएँ, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स अब चलते हैं, ये गाड़ी है हमारी, इसमें हम लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह पहुंच के फिर उस प्लेस पे आपको दिखाएंगे। चले सीट बेल्ट लगा लें रऊफ, कहीं ऐसा ना हो आप भी आज़ाद हो जाए, आपको आज़ाद नहीं करना है, चिड़ियों को आज़ाद करना है। जानजे पैसे से वैसे तो मैं कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के साथ जा रहा हूँ, और जिस तरह से ये प्लेस भी मैंने नहीं देखा है, तो इंशाल्लाह आप जाके देखेंगे।
ये भी एक ज़रा देखेंगे कि नया शौक है तो इसको भी देख के थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में, यानी फीलिंग अच्छी होगी। अभी तक के यानी वैसे ही मज़ा आ रहा है सफ़र के दौरान, बर्ड्स जो पीछे रखे हुए इनको देख के आ जाओ, इनको जब छोड़ेंगे इनके केजेस से तो वाकई में एक डिफरेंट मंजर होगा। एक कुछ नहीं है भाई, जाओ हाँ चलो चलो, रोड है, मछलियाँ होंगी और कुछ नहीं होगा। तो व्यूअर्स फाइनली हम लोग उस प्लेस पे पहुंच गए। हमने एक ऐसी प्लेस सेलेक्ट की है जहाँ बिल्कुल खुला एनवायरनमेंट है, यहाँ पर खेती बाड़ी भी है, आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे कि यहाँ खेती बाड़ी और पीछे लाइन से दरख्त ही दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जगह काफ़ी मुनासिब है कि बर्ड अपनी फ्लैंक लेने के बाद जाके दरख्तों पर बैठ जाएंगे, तो ये जगह हमने सेलेक्ट करी है। आइए बर्ड्स को निकालते हैं जी। हमाद भाई बर्ड्स को निकालिएगा जी। जी ठीक है, तो बर्ड्स में हम लेकर आए हैं मैना है, स्पैरो है, इसके अलावा एक लैला नाम की चिड़िया है और बुलबुल है। तो चार हम लोग किस्म की बर्ड्स लेकर आए हैं, तो इनको आज आज़ाद करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं ऐसे। तो व्यूअर्स टोटल चार आइटम है जिसमें बुलबुल, लैला नाम की एक चिड़िया है और मैना और नीचे स्पैरो। तो ये चार आइटम है इंशाल्लाह, नीचे भी मैना है, तो इंशाल्लाह आज इनको आज़ाद करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो बर्ड्स हम लेकर आए हैं 250 प्लस बर्ड्स हैं, जिसमें मैना, बुलबुल, लैला और स्पैरो है। तो आज इनको इंशाल्लाह आज़ाद करते हैं। तो व्यूअर्स अब इनको आज़ाद करने जा रहे हैं, तो एक बर्ड हाँ मैं चाहूँगा अपने हाथ से आज़ाद करूँ, तो कोई बात नहीं। अब ऐसे खोल ले हम और इसको छोड़ दे, खुद आएंगे ऐसे नहीं जाएंगे जा रहे हैं। गोप्रो भी ले लो, गोप्रो भी नीचे वाला एक हाथ से देगा हाथ में, ये खुद जाएंगे, खुद समझ जा रहे हैं। अब इसको गिरा दे, पिंजरे को लिटा दे। नहीं 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 ले तुम आ वहाँ, हेलो खिड़की की तरफ रखो, चले आप इस तरफ आ जाओ मेरी तरफ, छोड़ दो हमाद भाई पिंजरे को, यूँ कर लो ताकि कैमरे में निकल कर जाए, ये देखें। हाँ सही है, क्या होगा इसको पानी ए जमशेद भाई, अब यहाँ लगा लें कैमरा इस तरफ, चलो आज़ाद करें। एक मिनट, एक फटकी हो गई खाली बिल्कुल। एक मुझे देना अमन भाई, एक मुझे देना सब कैसे पकड़ूँ। एक रुक जाना भी मसला नहीं, एक मोड़ा दो, रुक जा, जान से एक साथ, जान से एक साथ, एक मिनट ना, एक को आज़ाद करके इसका शॉट लेना था, मेरा बगैर घूमना, चलो अब उड़ा भी दो सही तो व्यूअर्स बुलबुल को आज़ाद किया है और देख सकते हैं कि कितनी खुशी से ये जा रहे हैं और कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आवाज़ें करते हुए सारे बुलबुल चले गए।
दरख्तों की तरफ। यस भाई, वैसे हम जहाँ से कहना चाहूँगा, ये केज जो मेरा बर्ड्स इतवार का लाने को ले जाने में काम आता है, आज ये बर्ड केज जो है ना मेरा ट्रैवलिंग का, ये समझे बर्ड्स उड़ाने में काम आ रहा है। बिल्कुल तो, बिल्कुल एक अलग ही व्यू, एक अलग ही। ये देखें जाजेब भाई, ये देखें माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, फाइनली हमने दोनों केज को खाली कर दिया है और सारे बर्ड्स को आज़ाद कर दिया है, और माशाल्लाह से तमाम के तमाम जो बर्ड्स हैं वो चले गए दरख्तों की तरफ, और माशाल्लाह से इस काम को अंजाम देने में हम कामयाब हो गए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बदर साहब का, जिन्होंने हमें मौका दिया और हमने अपने हाथों से परिंदों को आज़ाद किया और उनकी आज़ादी की खुशी हमने देखी, तो बहुत ही अच्छा लगा। इस खुले एनवायरनमेंट के अंदर हमने परिंदों को आज़ाद किया और सारे परिंदे माशाल्लाह से आवाज़ें करते हुए गए और दरख्तों की तरफ चले गए, तो एक बहुत ही अच्छा लुक बना जी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जमशेद साहब, आप ज़रा व्यू दिखाएं कि माशाल्लाह से ये कैसी जगह पे छूटे कि ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पर ये ब्रीड भी करेंगे और मज़ीद आगे इनकी जो है वो फैमिली बढ़ेगी, तो बड़ी खुशी होगी। ये देखें जितने भी हमने आज़ाद करे ना, वो देखें अभी ये पूरी टोली बन के घूम रही है। सही है, तो सारे एक साथ घूम रहे हैं। ये देखें ये सारे एक साथ, रऊफ भाई उड़ाइएगा वहाँ से, ये देखें पूरी टोली बन के ना, ये बड़ी अच्छी लगती है। ये देखें ये सारे यहाँ पर हैं, बाकी वहाँ पर दरख्तों में गए हैं, तो ये यहीं अपने घर बना लेंगे। ये देखें रऊफ भाई उड़ा रहे हैं, तो माशाल्लाह से सारे साथ साथ घूम रहे हैं। और ये जगह बहुत ही मुनासिब है बर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ खाने पीने की भी भरपूर चीज़ें हैं, जिसमें ये लोग सब्जियां वगैरह भी खा सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं। खेती बाड़ी हमने इसलिए सेलेक्ट करी, यहाँ पे अक्सर कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स होते हैं जो ये शौक से खाते हैं, तो ये स्पैरो नस्ल की जो चिड़ियाँ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। स्पेशली थैंक करेंगे हम बदर साहब फ्राम लंदन, जिन्होंने मुझसे बातचीत की थी और उन्होंने कुछ अमाउंट भेजा था और कहा था कि हमारे तरफ से ये बर्ड्स को आज़ाद करा दीजिएगा। और जब बर्ड्स को आज़ाद करने से पहले, सबसे पहले हमें शहर में भी आज़ाद कर सकते थे, तो यहाँ आप देखेंगे चील कौवे, चील कौवे तो नहीं है ना इधर, ना चील हैं ना कौवे हैं। जैसे कि केज में कोई ज़रा सा फ्लाइंग में दुश्वारी होती है तो चील कौवे पकड़ के खा जाते थे, तो यहाँ हमने ये फसल लगी हुई है, खेत है, पानी है, तमाम चीज़ें हैं। जैसे हमने चिड़ियों को खोलना शुरू किया तो चिड़िया जो है वो खुश हो गई ना, उनको ऐसा प्लेस वहाँ नहीं मिल सकता था, इतना आज़ादाना प्लेस, तो हमने इनकी आज़ादी का भरपूर ख्याल रखते हुए ये जगह को प्लेस किया और एक टीम वर्क किया। टीम वर्क करने के बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कब से ये खेती बाड़ी हो रही है? बहुत टाइम है, 56 साल हो गया है। 4-5 साल हो गए, तो ये किस चीज़ की फसल लगी हुई है अभी? गंदम है। गंदम है, तो ये तो इनका फेवरेट हो गया, मेरा ख्याल है चिड़िया यही खाती है। तो कैसा लगा हमारा काम आज? सही है माशाल्लाह, सही हो गया, जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा। अच्छा यहाँ कोई और भी करता है ला के छोड़ता है? नहीं, कोई नहीं आता है, आया आता है कोई नहीं आया। अच्छा, यहाँ कोई भी लोग नहीं आते हैं चिड़िया वगैरह को आज़ाद करने के लिए? तो हमारे हम उन लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि जो लोग हैसियत रखते हैं बर्ड्स को ख़रीद के आज़ाद कराने में, तो वो इस जगह पे आएँ, बेशक हमसे जगह का तयन कर लें। कौन सी जगह कहलाती है ये? लाल बोर्ड कहलाती है। ये नहर भी जा रही है? अच्छा, फर्स्ट नहर जो है यहाँ पर, खजूर का वो दिखाना जहाँ से, वो खजूर का बाग है यहाँ पर, बाग बहुत बाग है, इधर से बाग, चक्कू का बाग है, हर चीज़ का बाग है। अच्छा, चिड़िया की भूख नहीं मरेगी? अच्छा, चिड़िया भूखी नहीं मरेगी, बस हमने यही चीज़ को सिक्योर करना था कि हम ऐसी जगह पे छोड़ें जहाँ इनको फसल भी गंदम की लगी हुई है माशाल्लाह से। तो ये तमाम चीज़ें थी, इस चीज़ को मलोज़े खातिर रखते हुए आए। अगर कोई भी शख्स इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है तो जाहिर सी बात है हम फिर अपना टाइम देंगे। और हमारे टीम वर्क में आज थे हमास साहब और अब्दुल रऊफ, जहाँजेब के हाथ में कैमरा है इस वक्त जी। तो हाँ, मैं जमशेद भाई ये कहना चाहूँगा कि हम ब्रीड तो बहुत कराते हैं, उससे बहुत नफ़ा भी कमाते हैं, हम सारे काम करते हैं, तो हमें ये भी काम करना चाहिए। मुझे आज यानी आपके साथ आके मुझे ऐसा फील हुआ कि ये हमें करना चाहिए। बेशक, ज़रूरी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम भी इस तरीके से करेंगे आपके साथ, अल्लाह ने चाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
जी जमशेद भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ, और आपने मौका दिया खसूसी तौर पे इस तरह से भी जाके चलने का। और एक अब तक यानी हम केज बर्ड्स पे काम करते आ रहे हैं जो यानी वो उस माहौल का बर्ड है, और एक ये नेचुरल बर्ड्स है माहौल का बर्ड है जो आपने उसको उसके माहौल में यानी उसको छोड़ा, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपके तवस्सुल से जो हमारे बदर भाई बैठे हैं लंदन में उनकी तरफ से भी यानी कि भाई हमें भी एक मौका मिले कि हमने थोड़ी सी तफरी भी की और आपकी टीम के साथ टीम वर्क के तौर पर हम गए और हमने ये बर्ड्स को इसको उड़ाया भी इनको यानी, और बर्ड्स ने आके खुशी से उड़ा और अपनी यानी जो विस्लिंग होती है उसका जो साउंड होता है जो यानी उसका वो भी हमने सुना, और वो फुल टीम की टीम यानी झोल के झोल गया। साउंड आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर माशाल्लाह के जब हम आए तो इधर मुझे इतने बर्ड्स नहीं दिख रहे थे कि गिनती के बर्ड्स से जब हमने छोड़ा है इतनी क्वांटिटी के अंदर तो माशाल्लाह अभी मुझे दिख रहे हैं कि इधर उधर इधर उधर सब उड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल रहा और बड़ा अच्छा ये पिकनिक कह लें हमारी तो पिकनिक हुई, बहुत अच्छा मज़ा आया बहुत भाई। अभी हमने देखा दो चिड़ियाँ वहाँ से उड़ रही थी तो मैंने जहाँ से इशारा किया कि हाँ। वो कुदरती तौर पर थैंक्स कह के जब वो किया उसने तो वो उड़ के वो पेड़ पर चले गए, तो जो चिड़ियों की कौन था क्या जो जो चिड़ियों की जो खुशी का वो है ना क्या कहते हैं जज्बाती मनाजिर वो भी हमने देखा। और यहाँ बच्चे भी हैं माशाल्लाह यहीं रहते हैं, पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ते हैं? स्कूल नहीं है। अच्छा इधर स्कूल नहीं है? ओहो हो स्कूल है इधर, स्कूल नहीं है। तो आप लोग फैमिली के साथ इधर ही रहते हो? बदिन का हैं? बदिन से, बदिन से, बदिन से। तो आप लोग खेती बाड़ी का काम आपको दिया हुआ है? तो अभी क्या क्या लगाया हुआ यहाँ पर? गंदम तो आपने बता दिया। गंदम है, सरसों है, सरसों है, टमाटर है, अच्छा, सब्जी है, अल्लाह का शुक्र है, सही है। चलो ठीक, जान चलता। तो वीवर इस वक्त जो है इसको वाइंड अप करेंगे जहाँसेब जमशेद, तो मैं जहाँ से जमशेद को देता हूँ क्योंकि कैमरा उन्हीं के पास है। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स के बदर साहब को इस काम के लिए अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे, उनकी तमाम फैमिली को अजर दे, और जो इन्होंने ये किया है आज मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को ऐसे अगर हम लोग के पास पैसे हैं तो हम लोग को ज़रूर इस किस्म के काम करने चाहिए, परिंदों को आज़ाद करना चाहिए। शौक़ तो हम लोग कर लेते हैं, बर्ड्स को पाल लेते हैं, लेकिन उनको आज़ाद करके उनकी जो आज़ादी की फीलिंग्स है उसको भी महसूस करना चाहिए। यहाँ आके हम लोगों ने बर्ड्स को आज़ाद किया, बर्ड जिस तरीके से आज़ाद होकर निकले और आवाज़ें करते हुए गए तो एक अलग ही जज्बा और एक अलग ही फीलिंग्स थी, तो वो देख के बहुत मज़ा आया। तो व्यूअर्स जगह तो बहुत ही अच्छी है, आज़ादी के हिसाब से तो बहुत ही मुनासिब जगह है। क्यों अपना क्या नाम है अमाद भाई, मैं सोच रहा हूँ कि रऊफ़ को भी यहीं पे आज़ाद कर दें। क्यों भाई, बिल्कुल बिल्कुल रऊफ भाई से ना हम यहाँ के जाल रेट ले सकते हैं कि कितने दरख्तों के क्या रेट है, क्या जाल रेट है, दरख्त हैं सर्वाइव कर जाएगा आराम से रह लेगा, फल फ्रूट भी है, खेती बाड़ी भी है, गंदम भी यहीं पर हो रहा है। माशाल्लाह मेरे तो 3 बच्चे हो गए हैं, रऊफ भाई की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट है, बहुत मजा आया है यानी ना, जैसे यानी हम जैसे पंजाब के खेत देखते हैं और इस तरह के जो आपने आजादी का इरादा बनाया, बहुत फुल आजादी मिली यार, ये तो वाकई फुल आजादाना माहौल है। या तो इंसान भी मेरे ख्याल से हम शायद गिने चुने लोग हैं या यहाँ पे वो फैमिली है जो यहाँ रह के इन चीज़ों की हिफाजत कर रही है, लेकिन इंसान हमें वैसे दूर दूर तक के नहीं दिखे, बहुत यानी नेचुरल माहौल के करीब हम पहुँचे हैं और ये बहुत कम हमें मौका मिलता है हम शहरों को रहने वालों को कि भाई हम इस ऐसी जगहों पे आए बकायदा। तो व्यूअर्स इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग सनसेट भी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सनसेट है, कितना खूबसूरत सनसेट है। इसके अलावा इस प्लेस के बारे में ये कहना चाहूँगा, यहाँ खेती बाड़ी है, आज़ाद करने का मकसद ये था कि बर्ड्स अपनी एक लंबी फ्लाइंग ले लें उसके बाद जाके दरख्तों पर बैठे, तो बैक साइड पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइन से तमाम दरख्त हैं, तो ये हमारा मोटिव था कि यहाँ पर बर्ड्स अपनी एक्टिविटी भी कर सकें और यहाँ पर दरख्तों पर जाके अपना खाना पीना और अपने घोंसले वगैरह भी बना सके। तो ये खेती बाड़ी का जो हमने आइडिया इसलिए लिया है कि यहाँ पर कीड़े वगैरह भी होते हैं, यहाँ पर गंदम भी है, इनकी तमाम यानी खाने पीने की चीज़ें, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर इनको आज़ाद किया। इसके अलावा एक झुंड यहाँ पर जा रहा है आसमान पर, आप लोग देख सकते हैं बर्ड्स का, ये मुर्गा भी है, मुर्गा भी हैं सारे जी, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त शेप में ये जा रहा है। आप ये देखें कि एक के पीछे एक, अल्लाह की कुदरत देखें आप, माशाल्लाह के माशाल्लाह माशाल्लाह वी शेप में, कोई भी आउट नहीं हो रहा है अपनी लाइन से, थोड़े से ये आउट हुए हैं दोबारा लाइन में आएंगे, और पीछे की आप वो लाइन देखें ऐसा लग रहा है कि हमने खींची हुई हो जैसे कि लाइन, बिल्कुल ये बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल चल रहे हैं ये परिंदे, तो एक लाइन में चल रहे हैं, क्या इंसान इस लाइन में इस तरीके से चल सकते हैं? सर इंसान बिल्कुल चल सकते हैं अगर वो इत्तेफाक हो तो, इत्तेफाक हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो दीन की बातें तो हम सब करते हैं लेकिन दीन पे चलने वाले हम लोग नहीं हैं, सही है, बातें तो हम सारे करते हैं, मुझ समेत मैं अपने आप को ही कहूँगा दीन पे की सारी बातें करते हैं, लेकिन हम अगर चलने लगे तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए भाई, ये है।
तो व्यूवर्स माशाल्लाह से आज का जो हमारा मकसद था वो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम को अंजाम करने में हमने कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ पर जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। जो बदर साहब ने हमें बर्ड्स की जिम्मेदारी दी थी, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने उन बर्ड्स को आज़ाद किया है, खुले इन्वायरमेंट में आज़ाद किया। और मैं ये समझता हूँ कि बदर साहब जब ये देखेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुतमईन होंगे कि हमने कैसी प्लेस सेलेक्ट करके बर्ड्स को आज़ाद किया। तो अब इजाज़त ले लेते हैं रऊफ़ साहब से और अहमद साहब से। जज़ाकअल्लाह आप लोगों ने, आप लोगों ने बहुत खिदमत करी, जज़ाकअल्लाह आप लोगों ने हेल्प करी। तो व्यूवर्स इसके साथ साथ हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इस किस्म के इवेंट्स और प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।